दोस्तों, बीएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन भारद्वाज। आज हम बात करेंगे फिल्म गुंजन सक्सेना के बारे में। जैसे कि आपको टाइटल से ही मालूम पड़ता है, गुंजन सक्सेना एक लड़की की कहानी है। लखनऊ की एक लड़की की कहानी है जिसमें एक लड़की कैसे वायुसेना में भर्ती होती है, उन्हें किन किन परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। फिल्म के डायरेक्शन की बात करें, शरण शर्मा ने काफी अच्छा डायरेक्शन किया है। फिल्म की स्टारकास्ट की अगर बात करें, फिल्म की स्टारकास्ट में गुंजन सक्सेना के किरदार में नजर आएंगी जानवी कपूर, जो कि श्रीदेवी की लड़की है। काफी अच्छा काम किया है। उसके पिता की अगर बात करें तो पंकज त्रिपाठी एक पिता की भूमिका में नजर आएंगे। अंगद बेदी जो है जानवी कपूर यानी कि गुंजन सक्सेना के भाई का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म काफी अच्छी है। शरण शर्मा ने कहीं ना कहीं इस फिल्म को वायुसेना के कुछ नकारात्मक चीजों को भी दिखाया गया है कि एक महिला को कितनी परेशानी होती है। ना तो उसमें चेंजिंग रूम है, ना महिलाओं के लिए अलग से शौचालय है, और कैसे पुरुष पायलट एक महिला पायलट से कैसे नफरत करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब कोई भी महिला पायलट नहीं बनती थी। आज का दिन बदल चुका है, समाज बदल चुका है, सब चीजें बदल चुकी हैं। लड़ाकू विमान तक महिलाएं चलाती हैं। को गुंजन सक्सेना भी एक उसी तरह की कहानी है। फिल्म काफी अच्छी है। गुंजन सक्सेना की अगर बात करें, गुंजन सक्सेना के पूरे जीवन पर आधारित ये फिल्म है। एक लखनऊ की कहानी है, कैसे वो एक सेना में भर्ती होती है, वायुसेना में भर्ती होने से लेकर उसके संघर्ष की कहानी है, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर नाम कैसे पड़ा, ये भी एक कहानी है। कारगिल युद्ध के दौरान एक लड़की जिसका नाम गुंजन सक्सेना था। सक्सेना द कारगिल गर्ल, ये कोई देशभक्ति की कहानी नहीं है। ये इस कहानी एक लड़की की है, एक बाप और बेटी की कहानी है कि किस तरह अपने परिवार के सपने पूरे करती है। गुंजन सक्सेना जो एक हेलीकॉप्टर चलाती है, एक पायलट की कहानी है। कारगिल युद्ध में किस तरह वो सामान लेकर जाती है, शहीद हुए जो जवानों को हॉस्पिटल तक पहुंचाती है, ये सारा जिम्मा गुंजन सक्सेना का था। जानवी कपूर ने इस किरदार को भले ही बहुत ही अच्छे से निभाया है। अगर आपके घर में बेटी है तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म एक मैसेज देती है कि एक लड़की अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं करती है। फिल्म काफी अच्छी है। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ये नाम कैसे पड़ा। गुंजन सक्सेना को काफी सारे वीरता पुरस्कार मिले हैं, इसी के कारण इसका नाम गुंजन सक्सेना कारगिल गर्ल नाम पड़ा।